किया गया था। और आप जानते हैं कि शासक वर्ग जैसा कि मोदी जैसा फासिस्ट शासक वर्ग भी ये भी गुपचुप तरीके से और मध्यरात्रि को ही सब घोषणाएं करता है, और आपातकाल में सबसे ज्यादा अत्याचार कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों पे हुआ, उसे प्रतिबंधित किया गया, सबसे ज्यादा नुकसान झेला कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतों ने, सबसे ज्यादा बलिदान दिया। और आज हम इस आपातकाल वर्षगांठ के अवसर पर हमारे देश में क्या देखते हैं? हमारे देश में हम देखते हैं कि करीब 93वां दिन है आज लॉकडाउन का, करीब 5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण से, 15,000 लोग की मौत हो चुकी है। और कोरोना के पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत संकट में थी, गर्त में जा रही थी, और साथ ही साथ ये कोरोना की जो चोट है ये तो और ऊपर से नीम चढ़ा जैसी स्थिति हो गई है। ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई सामान्य बीमारी है, ये इसके पहले जो बीमारियां आई है 2003 में सार्स और अन्य जो महामारियां आई है, ये जो COVID-19 है ये एक सार्वदेशिक एक महामारी है जो सबसे अलग है। ये बड़ी तेजी से फैलता है, ये बड़ा मारक प्रहारक है, और ये पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है नव उदारवादी साम्राज्यवादी भूमंडलीकृत व्यवस्था। तो साथियों हम देखते हैं कि इसके नतीजे क्या हुए। इसके नतीजे ये हुए कि पूरे दुनिया के पैमाने पे, चाहे आप अमेरिका को देखें, दुनिया के जनता का दुश्मन नंबर एक साम्राज्यवादी सरगना अमेरिका है, वहां से लेकर भारत तक पूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी चरमरा गई है, ध्वस्त हो गई है। और कॉरपोरेट जो हर देश को नियंत्रित कर रहा है उसको जनता की बिल्कुल भी इसको चिंता नहीं है। ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था जिस तरीके से प्रकृति को निपटाई है, जिस तरीके से इसने प्रकृति का विनाश किया विकास के नाम पर, और जिस तरीके से इसने जो पारिस्थितिकी प्रणाली को दूषित किया है, इसने आपके जैव विविधता को दूषित किया है, पूरी तरह से पर्यावरण का क्षरण हुआ है, और पूरा मानव समाज एक विनाश के पथ पर आगे बढ़ रहा है। साथियों ये एक बहुत ही संकटजनक परिस्थिति है। हमारे देश की जो सरकार है मोदी सरकार, ये क्या कर रही है? हम सब जानते हैं कि ये धूर दक्षिणपंथी जन विरोधी फासिस्ट सरकार है। ये शुरू से ही जब से ये सत्ता पर आई है पिछले 6 साल से इसने जनता के ऊपर एक के बाद एक कहर ढाया है, नोटबंदी से लेकर आज कोरोना संक्रमण से निपटने पर जो भी इसने भीषण रकम उपेक्षा की है, कॉरपोरेट हितों की सेवा करना और आम जनता मेहनत कर जनता दलितों आदिवासियों मेहनतकशों को अल्पसंख्यकों महिलाओं मजदूरों का उपेक्षा जो इसने किया है, इसके पहले या भूतपूर्व है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसने क्या किया? इस मोदी सरकार के दोबारा सत्तासीन होने के 1 साल के अंदर इसने योजनाबद्ध रूप से जम्मू कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, उसे खुली जेल में तब्दील कर दिया। इसने देश में पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, नागरिकता कानून को धर्म पर आधारित किया, और सीएए एनआरसी एनपीआर के जैसे जघन्य जन विरोधी अमानवीय कानूनों को लाया, और हर तरीके से जनता के प्रतिरोध के स्वर को इसने कुचलने का कोशिश किया। हर चंद तरीके से ये पूरा देश को मटियामेट करने की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये सारा चीजें कर रहा है अमेरिकी साम्राज्यवाद के जूनियर पार्टनर के रूप में। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि आप आपातकालीन मेडिकल इमरजेंसी घोषणा करो, लेकिन ये 15 मार्च तक इसके सिर पे जू नहीं लेंगी। और ये पूरी तरीके से जो हमारे देश में मानवीय त्रासदी है, इसमें लाखों लाख प्रवासी मजदूर समेत आम जनता सड़कों पर दम तोड़ते देखे गए, सड़कों पर दो मुट्ठी खाने के लिए तड़पते देखे गए, और चिकित्सा के लिए, ये सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। और इस आज की स्थिति यही है कि विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा संक्रमित भारत में हो रहे हैं, सबसे तेजी से लोग भारत में मर रहे हैं। ये इस शासक वर्ग जन विरोधी शासक वर्ग के लिए गौरव की बात हो सकती है, लेकिन हमारे देश की जनता के लिए शर्म की बात है कि ये सरकार जनता का ध्यान जो गरीबी भुखमरी बेरोजगारी और जो आपराधिक उपेक्षा है कोरोना की, उससे ध्यान बटाने के लिए ये पड़ोसी देशों के साथ में सीमा विवाद को दोस्ताना ढंग से हल करने की जगह ये जो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद पैदा किया था, इसको निपटाने के जगह पर 1962 के जो जो लड़ाई हुई या जो जंग हुई उसके बाद इसको जो राजनीति विचार विमर्श के जरिए निपटाना था, इसने इसको निपटाया नहीं। और आज की तारीख में ये गलवान घाटी का जो जो तनाव हुआ, जो झड़प हुआ, ये सब जनता को झूठ बोल रहा है, जनता को कोई सूचना का अधिकार, कोई सत्य तथ्यों का अधिकार दे नहीं रहे हैं, और जनता को चीन या पड़ोसी देशों के खिलाफ, क्योंकि इसने
चाहे पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो चीन सबके साथ इसने संबंध खराब कर दिए हैं। बड़े भाई की तरह ये विस्तारवादी नीति से चल रहा है। तो साथियों हमारा आह्वान ये है कि हम इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हम इस पूंजीवादी समाजवादी व्यवस्था को उखाड़ इसलिए फेंकना चाहते हैं क्योंकि ये कोविड जैसे संक्रामक बीमारियों का जन्म दाता है और साथ ही साथ हम सच्चे जनवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमारा सोचना ये हमारा मानना है शिद्दत से कि जनता को चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हम और हमको युद्धोन्माद और हथियार की होड़ से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हम इसको पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। इस बीजेपी सरकार जिस तरीके से कोविड का बहाना बनाकर अपने विरोधियों को निपटा रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल रही है, जनवादी मौलिक अधिकारों को कुचल रही है, हम पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं। और भले ही देश में एक संकटजनक परिस्थिति है लेकिन देश में जन विरोध जन विक्षोभ बढ़ रहा है, परिस्थिति बहुत उज्ज्वल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से लेकर तमाम देशों में जनता का जो विद्रोह है समता समानता शांति और सामाजिक न्याय के लिए वो बढ़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईकोर करके हमने जो कम्युनिस्ट और समाजवादी नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम के कारण रायपुर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आवाज नहीं आ रही। ओके हेलो आवाज आ रही। आवाज आ रही है तो बोल देता हूँ ना। आवाज आ रही है तो बोल दू। हाँ कॉमरेड ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमरेड शंकर मेरी आवाज आ रही है। कॉमरेड शंकर रायपुर से कनेक्शन ऑडियो चल रहा है ना। हाँ मेरा ये कहना है कि जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से लेकर भारत तक जनता जन विरोधी व्यवस्था मानवीय व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर रही है, जन विक्षोभ पर सड़क पर उतर रही है और जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। तो परिस्थिति उज्जवल और वस्तुनिष्ठ परिस्थिति परिपक्व होती जा रही है। हमको चाहिए कि हम कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतें एकजुट हो। हमको कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण बुनियादी हमारी जो उसूल है मार्क्सवादी-लेनिनवादी उसूलों के आधार पर पार्टी को मजबूत बनाना है। पार्टी के वर जन संगठनों को जनता के बीच में जनता के मुद्दों को जनता के दुख दर्द को लेकर संघर्ष करना है और साथ ही साथ तमाम क्रांतिकारी वाम शक्तियों के साथ हमको एक मुश्तरका एकता कायम करने का पूरा प्रयास करना है। हमें आशा है कि जन विरोधी फासिस्ट ये मानव विरोधी जो व्यवस्था है इसके खिलाफ हमारे देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी प्रगतिशील ताकतें आगे आएंगी और हम सब मिलकर निश्चित रूप से जनता के सच्चे जनवाद और समाजवाद की ओर बढ़ सकते हैं। हम इस शोषणकारी आदमखोर व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में यकीन करते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें जनवाद फले फूले, जिसमें तमाम शोषित वंचित आम जनता का प्रतिनिधित्व हो और देश का सही विकास हो, जनपक्षी विकास हो। तो इसीलिए साथियों हमारी लड़ाई इसी दिशा में है। इस पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था और उसके जूनियर पार्टनर फासीवादी हमारे देश के शासक वर्गों के खिलाफ और इस लड़ाई में हमें आशा है कि आप सबका साथ हमको मिलेगा और हम निश्चित रूप से समाजवाद की ओर कूच करेंगे। आप सबको ढेरों क्रांतिकारी अभिनंदन। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ कॉमरेड शंकर हो गया। कॉमरेड तुहिन को धन्यवाद। अभी कॉमरेड शिवराम आप अपना माइक जो है उसको अनम्यूट कीजिए, ऑडियो जो है उसको अनम्यूट कीजिए और अपना बात को रखिए। कॉमरेड शिवराम फ्रॉम उड़ीसा। कॉमरेड शिवराम। यस हेलो। हेलो कॉमरेड शिवराम। हाँ अभी सुनाई दे रहा है सबको? हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रही है। यस प्लीज स्टार्ट। ओके सभी साथियों को लाल सलाम। साथियों जैसे
मेरे पहले वक्ता सीपीआईएमएल रेड स्टार की जनरल सेक्रेटरी कमल के एन रामचंद्रन बता चुके हैं कि अभी आज का दिन है जो लॉकडाउन का 93 डेज थे, और इसका साथ साथ हमारा जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी था, जो डिक्लेयर्ड आपातकाल था, डिक्लेयर्ड आपातकाल का ये 35 इयर्स कंप्लीट हो रहा है आज, और 19 महीने तक ये रहा, और पूरा ये जो 19 महीने के अंदर ये पूरा पूरा देश को एक जेल में ये बना दिए थे, पूरा देश को, पूरे जितने भी विरोधी, जितने भी राजनीतिक शक्ति, जितने भी सरकार के खिलाफ थे, जनता क्या बात बोल रहे थे, ये सब लोग को जेल में डाल दिए थे। ऐसा स्थिति हुआ था, पूरा देश को एक जेल में बना दिया। मगर आज का हम लोग जब आज 45 सालों का बाद जब जून 25 को लॉकडाउन पीरियड में और कोरोना महामारी के पीरियड में जब हम लोग इसका बात अभी आज पूरे देश भर में, और हम लोगों ने भी इवन हम लोगों ने हमारा पार्टी का स्टेट कमेटी की तरफ से और बाकी यहाँ जितना भी जनवादी संगठन, गणतांत्रिक संगठन, मानववादी संगठन, सबको मिलके भी हम लोगों ने पूरा प्रतिवाद किया है। इवन यहाँ कुछ साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जैसे प्रफुल्ल सामंतरा जैसा लोग इसके खिलाफ आज भूख हड़ताल जैसे भूख हड़ताल में भी बैठे हैं पूरा दिन भर के लिए। तो ये जो दिन है, क्योंकि उसी समय में जो स्थिति था, आज 2014 से जो 2020 का जो स्थिति है ये ज्यादा गंभीर है। अभी तो 2014 से जो 2020 के जो मोदी रेजिम में अभी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी अभी चल रहा है, ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में जितने भी जो भी भिन्न दृष्टि रखता है, जो भी सरकार का साथ सहमत नहीं होता है, उसको देशद्रोही घोषित किया जाता है। और खास करके अभी पूरे देश भर में जितने भी जन विरोधी नीतियां सरकार लागू कर रहा है, जनता के खिलाफ, किसान के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, और कॉर्पोरेट के हित में, विदेशी कंपनियों के हित में जब अपना कानून ला रहा है, अपना पूरा सब कुछ उसके उसको समर्पित कर रहा है, तो ये पूरे देश भर में जितना गणतांत्रिक शक्तियां छात्राएं इसको विरोध करते हैं, तो सबको जेल में डाल रहा है। जो लोग दंगा भड़काते हैं, जैसे दिल्ली में जो लोग दंगा किए हैं, वो लोगों को छोड़ दिया, उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। मगर जो लोग दंगा के खिलाफ है, जो लोग अपना राइट्स के लिए, जनता की राइट्स के लिए लड़ रहे, वो सब लोगों को जेल में डाल रहा है। पूरे देश भर में ऐसा स्थिति है। तो अभी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है 2014 से 2020 तक, ये जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ अभी जो पूरे मोदी के नेतृत्व में जो सांप्रदायिक फासीवादी शक्ति, जो सांप्रदायिक फासीवादी आक्रमण पूरा देश भर में चल रहा है, इसके खिलाफ हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अपील करूंगा आप लोगों से भी, हम लोग ये लड़ाई के लिए तैयार है, आप लोग भी ये लड़ाई में जुट जाए। और ये संदर्भ में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, हम लोग तो ये लड़ाई में है, इसका साथ साथ कल भी मैं और एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे उड़ीसा में अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरा देश भर में, उड़ीसा से दो दिन पहले ही उड़ीसा का लॉकडाउन का 96 डेज आज हो गया। और ये जो लॉकडाउन पीरियड में क्या हो रहा है, जैसे केंद्र सरकार, मोदी सरकार कर रहा है, जैसे राज्य का सरकार, कोई समान नीतियों पर ही लागू कर रहा है। अभी जैसे उड़ीसा में ये लॉकडाउन को एक सुजोग के हिसाब से लेते हुए हमारा नवीन पटनायक सरकार भी यहाँ 8 घंटे को 12 घंटे में, मजदूर का 8 घंटे को 12 घंटे में परिवर्तित कर दिया, इसको लेकर सर्कुलर जारी किया। और जो मैंने सालों से मजदूर विरोधी कानून में संशोधन की जो प्रक्रिया चल रहा था, उसके खिलाफ जबरदस्त जो मजदूरों की विरोध हो रहा था, जो सरकार नहीं कर पा रहा था, मगर अभी अभी ये लॉकडाउन पीरियड में अभी लास्ट महीने ही, इसी महीना ही पहला माने 8 तारीख को जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसको हमारी राज्य में हमारा नवीन पटनायक सरकार पूरा संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। और ये अमेंडमेंट पूरी तरह से एक मजदूर विरोधी अमेंडमेंट
के हिसाब से आया है और इसके तहत अभी जो 100 तक था मजदूरों का, अभी जो 300 के नीचे जो फैक्ट्रीज थे वहां कोई कानून फैक्ट्री था कोई आइडिया कुछ लागू नहीं होगा। और इसके तहत जितना भी मजदूरों को जो अधिकार मिल रहा था ये पूरा उड़ीसा में खत्म कर दिया। मैं बता देना चाहता हूँ, उड़ीसा में बहुत कम फैक्ट्रीज, अब बहुत कम से प्लांट और ऐसे नालको ऐसे कुछ फैक्ट्रीज को छोड़ के बाकी बहुत कम फैक्ट्री में जहां 500 से 600 से 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, मगर अभी ज्यादा से ज्यादा 400 500 300 ऐसा लोग काम करते हैं। मगर अभी क्या हो गया, अभी जो सरकार 300 के नीचे जो फैक्ट्री से उसका वहां कोई कानून लागू नहीं होगा मजदूर कानून, ये फैक्ट्रीज के आग के नीचे जो कर दिया उड़ीसा सरकार ने। तो जैसे जैसे हम लोगों का कुछ यूनियन है, जैसे हम लोगों का कुछ यूनियन का साथ, जैसे QVCI का कुछ यूनियन है पार्ले लिंगराज बिस्किट कंपनी में, वहां जैसे 500 वर्कर 450 सरकार जैसे अनमोल बिस्किट कंपनी का वहां भी 450 से 500 वर्कर है पर सरकारी रिकॉर्ड में बहुत कम है। मगर इस तरह की ऐसे ही पूरे देखा जाए तो जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट है और ज्यादातर जगह पे ये मजदूरों की कानून काम नहीं करेगा। तो ये पूरी तरह से जैसे केंद्र सरकार कर रहा है बाकी बीजेपी शासित राज्यों में जो हो रहा है उड़ीसा में इसी तरह की मजदूर विरोधी काम ये लॉकडाउन की बहाने पे अभी राज्य सरकार पूरा कर रहा है। ये एक बहुत गंभीर स्थिति है। और इसका साथ साथ जैसे कमरेड बता चुके हैं और बाकी हमारा पीजेंट लीडर है मजदूर नेता आप लोगों को बताया कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अभी और एक बात पे आप लोगों का दृष्टि आकर्षित करते हुए मैं अपना बात बढ़ाऊंगा और मेरा जो समय के हिसाब से मैं खत्म करूंगा। जैसे अभी जैसे हमारा देश के प्रधानमंत्री जितने भी हम लोग 15 लाख लाएंगे विदेश से कालाधन लाएंगे सब कुछ बोला था, 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो कहां गया? GST किया, डिमोनिटाइजेशन किया और इसके बाद सब कुछ बेकार गया, उसपे लोगों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ा। उसी हिसाब से जैसे वो पूरा फेंकते जा रहा है उसी हिसाब से जैसे अभी 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 23 जून को जैसे उनका साथी बीजेपी का साथी RSS का साथी जो बाबा रामदेव और उसका जो पतंजलि सेंटर जैसे कोरोना का वैक्सीन निकाल लिया, कोरोना का मेडिसिन निकाल लिया और कोरोनिल उसका नाम भी दे दिया, इस तरह की बात जो बोल दिया और इसका पूरे खुलम खुला मीडिया में प्रेस मीट करके यह आ गया। तो मगर जब देखा गया जो आयुष मंत्रालय ले उसको कोई परमिशन नहीं दिया और ये लोग जो परमिशन भी मांगे थे इसके लिए खांसी और फीवर के लिए वो मांगे थे, कोरोना का साथ उसका कोई संपर्क नहीं है पर अभी कोरोनिल जैसे निकाल दिया। मगर मैं आपके जरिए और ये मीटिंग के जरिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ इसको ये एक नेशनल फ्रॉड है। बाबा रामदेव और उसका जो पतंजलि सेंटर एक नेशनल फ्रॉड है और ये फ्रॉड को 420 की माने एक फ्रॉड कानून के हिसाब से 420 में बुक करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए और ये मैं अपील करता हूँ आप लोगों के सामने। और इसीलिए मैं करता हूँ जब कोरोना के बारे में कोरोना को लेकर अगर कोई कुछ पहले से आप लोगों को याद होगा कोई इधर उधर कुछ अगर फेसबुक में डालता सोशल मीडिया में अगर कोई कुछ डालता तो इसको फिर जेल में लिया गया, पुलिस अरेस्ट किया। फेसबुक में कोई लड़का कोई अगर कोई यूथ अगर कोई कुछ लिख दिया कोई कुछ लिख दिया कोरोना के बारे में कोई उल्टा पुल्टा लिख दिया बोल के उसको नहीं फेसबुक में सोशल मीडिया में नहीं कर सकता बोल के इवन उड़ीसा में कमिश्नर पुलिस और उड़ीसा पुलिस भी ये लोगों को जेल में डाला है और अरेस्ट भी किया है। मगर इतना बड़ा झूठ, कोई कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं निकाला है, कोई मैंने आयुष मंत्रालय ने और हमारा मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको कोई परमिशन नहीं दिया है। ये वास्तविक तरीके से अगर ये इतना बड़ा झूठ बोल के कोरोनिल निकाल दिया बोल के बोल रहा है तो इसको गिरफ्त करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, 420 में बुक करना चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ। और इसका साथ साथ मैं जब आऊंगा मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। अभी बाहर बहुत चर्चा हो रहा है, हमारा हमारे राज्य में हमारा जो नवीन पटनायक सरकार एक नंबर मुख्यमंत्री है और पूरा देश भर में पूरा एक माहौल बना के रखा है
कि ये पूरा एक एक नंबर का मुख्यमंत्री है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा, हमारा मुख्यमंत्री एक नंबर है। किसमें एक नंबर है? इसमें एक नंबर है कि हमारा स्टेट में कोई भी सरकारी अधिकारी कोई एक पैसा का ब्राइब नहीं ले रहा, ये सही है। 25 साल में जो यहाँ नवीन पटनायक का सरकार है, ये इतना मैनेजमेंट करता है, ये 25 साल में इतना मैनेजमेंट कर दिया, इतना नेक्सस कर दिया, तो यहाँ कोई भी डायरेक्टली कोई भी अधिकारी पैसा नहीं ले रहे। तो पूरा एक नेक्सस हो गया, पूरा दलालों का एक मिश्रण हो गया। जो भी लेता है दलाल के माध्यम से लेता है, जो भी लेता है वो अपना एजेंट के माध्यम से लेता है, सब कुछ उसमें चल रहा है। और यहाँ की पूरा मीडिया का इतना कंट्रोल है, उड़ीसा में पूरा मीडिया इधर बीजेपी या बीजेडी का कंट्रोल में है, या इस तरह की पूंजीपतियों के कंट्रोल में, कोई सरकार लोगों का आम लोगों का बात बोलने नहीं है। तो इसलिए झूठ, मैंने एकदम सफेद झूठ बोल के जा रहे। इसके कारण आज क्या हो रहा है उड़ीसा में, मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, उड़ीसा के लोग अभी भूख में है। उड़ीसा के 4.5 करोड़ लोगों से मैं ये बता सकता हूँ, कम से कम 3.5 करोड़ लोग अभी भूख में है, अभी खाने के लिए तरस रहे। उड़ीसा का जो वर्कर, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, या जैसे मैं गंजाम जिला से हूँ, मैं रहता हूँ भुवनेश्वर पार्टी ऑफिस में, मगर जिला में रहता हूँ, मगर मेरा ओरिजिनल घर गंजाम जिला, मेरा जिला से ही ओनली 7 लाख वर्कर है। कॉम्रेड शिवराम और 3 मिनट में खत्म कीजिए। आई विल कंप्लीट इन 3 मिनट, आई विल कंप्लीट इन 3 मिनट। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं उसका जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है, उनके लिए कोई काम नहीं है। मगर जो नवीन पटनायक अभी ओडिशा में क्या बोला रहा है, केंद्र सरकार भी कल है, हर दिन 200 से, हर दिन 150 से, 200 250 300 करके ये बढ़ रहा है। और बस्ती इलाके में अभी जबरदस्त संक्रमण हो रहा है। और बस्ती इलाके में जब अभी भुवनेश्वर में हम लोग भुवनेश्वर में बस्ती आंदोलन में है। अभी सरकार सबको बोल रहा है, सरकार ने हाथ उठा दिया, सरकार ने हाथ ऊपर उठा दिया, क्वारंटाइन सिस्टम को बंद कर दिया, कोई इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं है, सबको जो आ रहा है सबको बोल रहा है होम क्वारंटाइन में रहो। मगर एक गरीब लोग, एक स्लम डोलर, एक आम आदमी, एक छोटा घर में रहने वाला, एक रेंट में रहने वाला, कैसे एक इसमें रह सकता है होम पे? तो होम क्वारंटाइन में जो रहने के लिए बोल रहा है अभी जबरदस्त बढ़ रहा है, स्लम में बढ़ रहा है। और इतना बढ़ गया अभी, जैसे कुछ स्लम इलाकों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जैसे कल सुभाष बोस नगर बस्ती में भुवनेश्वर में नेशनल हाईवे के साइड में वो जबरदस्त विद्रोह लोगों ने किया रास्ते पे आके। क्यों किया? क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में जो लोगों को जो मिनिमम फैसिलिटीज देना चाहिए, उनका खाने का सामान देना चाहिए, वो नहीं देके बीएमसी भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाके वहां बेच रहा है। क्या कैसे बेच रहा है? 40 रुपया का बैगन जो ब्रिंजल वो 80 रुपये में बेच रहा है, 30 रुपये का आलू 50 रुपये में बेच रहा है। तो डबल रेट में, ट्रिपल रेट में ऐसा बेच रहा है सरकार। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, तो यहाँ जितने भी मजदूर वर्ग है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बोला गया था कि आपको 1500 रुपया किया जाएगा सपोर्ट, 100 डेज होने जा रहा है, 96 डेज हो गया, मगर अभी तक आधा से ज्यादा लोगों को नहीं मिला है। जैसे यहाँ व्यापारी, क्षुद्र व्यापारी वेंडर, जो फूड वेंडर से, स्ट्रीट वेंडर से, उसको 3000 रुपया सहायता का घोषणा किया, उसमें ओनली 10% लोगों से ज्यादा मिला, 90% लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो इसी स्थिति में हम लोग एक भी, हमारे सीपीएमएल रेड स्टार ओडिशा स्टेट कमेटी की तरफ से एक 20 का ट्रक डिमांड, जो कोरोना मुकाबला में सरकार विफल रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और
हमारा जो लाइफ एंड लाइवलीहुड जो सफर कर रहे लोग भूखा में है, खाने के लिए नहीं है, और खास करके जो अर्बन पूर, मैं ये बताना चाहता हूँ, कम से कम गांव का जो लोग है थोड़ा बहुत खाना उनको मिल रहा है, थोड़ा बहुत वो लोग जी रहे, मगर जो अर्बन पूर का स्थिति इतना गंभीर है, ना काम है, ना खाने को चीज है, ना उनका पास पैसा है, ना बाहर जा सकते, तो ऐसा एक गंभीर स्थिति में अर्बन पूर पूरे हर शहर का अर्बन पूर ये है, मगर इसी स्थिति में सरकार उनको जीने का कोई बंदोबस्त नहीं करके सिर्फ एक बहादुरी मारता है अपना मीडिया को लेकर, तो ये स्थिति में जैसे डोमेस्टिक वर्कर स्थिति बहुत हाल है, उनके लिए कोई यहाँ सेपरेट बोर्ड है डोमेस्टिक वर्कर के लिए, अनऑर्गेनाइज है, उनके लिए कोई सहायता सरकार ने घोषणा नहीं किया है, तो ये स्थिति में मैं ये बना तो सीपीएमएल रेड स्टार की तरफ से 20 चार्टर ऑफ डिमांड, कंप्लीटली 20 चार्टर ऑफ डिमांड लोगों को लाइफ एंड लाइवलीहुड और टेस्टिंग और चिकित्सा को लेकर किया है, और इसको लेकर हमने राज्य भर में पूरा इसको लेकर लड़ाई हमने शुरू किया है, और ये लड़ाई में हम लोग आगे जा रहे हैं। मैं और इसका साथ मैं बता दूं कि बाकी जितने सबका फोन म्यूट हो गया, हेलो हेलो, थैंक यू कॉम्रेड, तो उड़ीसा का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे 13 पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और बीजेडी को छोड़ के हम लोग मिलके डिसीजन लिया है, और हम लोग स्ट्रगल में ये किया है, और कल भी एक मिलित स्ट्रगल कर रहे हैं, और आगे भी ये स्ट्रगल को जारी रखेंगे, जब तक के सांप्रदायिक फासीवादी शक्ति को हम लोग नहीं हराएंगे तब तक ये लड़ाई हम लोग का जारी रहेगा। और मैं ये बता देता हूँ, उड़ीसा में हम लोगों ने एक जैसे जब सीपीएम जैसा पार्टी को छूटे थे, माओवादी जैसा पार्टी जंगल में घुसते थे, हम लोगों ने एक मास लाइन को लेकर, जनता का बीच में काम करने का लाइन को लेकर हम लोगों ने काम शुरू किया है। सीपीएमएल रजिस्टर एक नया कल्चर में नया लाइन लेकर, एक नया पीपुल्स डेमोक्रेटिक लाइन और जनता का जन दिशा का लाइन को लेते हुए हमने शुरू किया है, और शुरू करते भुवन जैसे पहले भद्रक माने एग्रीकल्चर वर्कर्स के बीच में, बाद में भुवनेश्वर स्लम डोलर्स के बीच में काम करते हुए आज कम से कम उड़ीसा का आधे जिले में हम लोग है, मजदूरों के बीच है, स्लम डोलर्स के बीच में है, आदिवासियों के बीच में, और हम लोग बाकी संगठन का साथ मिलके जो गणतांत्रिक आंदोलन का लड़ाई में है, और इसको हम लोग आगे आगे जारी रखेंगे, और पूरी तरह से एक क्रांतिकारी रास्ता को लेकर हम लोग एक जनवादी उड़ीसा बनाने का, एक विकल्प उड़ीसा बनाने के जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, इस लड़ाई में हम लोग आगे जाएंगे। इसका साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। इनकलाब, थैंक यू कॉम्रेड सिब्रम, शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट ट्रांसलेशन। आई एम रिक्वेस्टिंग कॉम्रेड शर्मिष्ठा विद इन वेरी फ्यू सेंटेंसेस इफ यू कैन। यस, इन ब्रीफ व्हाट कॉम्रेड सेड इज दैट इन दिस 45th ईयर ऑफ द इमरजेंसी वी आर फेसिंग अ न्यू काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। द सिचुएशन इन आवर कंट्री इज वेरी ग्रिम, and the burden of the crisis is being increasingly thrust on the masses, and in Orissa particularly there is the illusion that the Navin Patnaik government has is a very successful government and he is giving very successful leadership to the state. However, it is just a version of the media. The truth is that in Orissa, out of a population of 4.5 crores, more than half the population is on the brink of starvation. The workers using COVID-19 as an excuse, the Orissa government has increased the working hours from 8 hours to 12 hours. Then it has scrapped the Industrial Disputes Act. Then in factories employing less than 300 workers, it has said that no kind of labor disputes, etc., can be raised, and people are in a very in very dire straits. Migrant workers coming back to Orissa have no work, and what is being said in the name of fighting COVID is also equally dangerous. Quarantine centers are being made in slums, and there things are being sold at
double the price than in the open market. And in protest against this, people have taken to the streets. In Orissa, our party has extended over almost half the districts, and we are regularly going to the masses trying to organize them. Today, the situation is such that anyone who goes against the government, anyone who criticizes the government is labeled as anti-national. However, in spite of these circumstances, I am not able to listen. Can you hear? Okay. Thank you very much. Actually, due to network, hello. Okay. I am getting out again and again. No, you are very much in. Hello? Please continue. Yes, we can hear. Very much here. Yes. Okay. Due to network problem, I am getting out from the. So I am very sorry. So I like to call Comrade Tuhin. Comrade Tuhin will speak. All speakers are requested repeatedly to be careful very much in their time. So please, for 10 minutes, restrict your speech within 10 minutes, Comrade Tuhin. And next speaker will be Comrade Sharmista. Please, Comrade Sharmista will be prepared. Comrade Tuhin now. हेलो, आवाज आ रही है? यस हाँ कॉमरेड, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड शंकर। बिल्कुल मैं 10 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा। सभी साथियों का अभिनंदन, क्रांतिकारी अभिनंदन, सारे वक्ता साथियों का, और जो साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप सबको तहे दिल से क्रांतिकारी मुबारकबाद। साथियों, आज जैसा कि आप सब जानते हैं, कॉमरेड के एन रामचंद्रन ने, कॉमरेड शिवराम ने भी कहा कि आपातकाल की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक अघोषित आपातकाल के दौर में जी रहे हैं। मैं इस बात से शुरुआत करूंगा कि हम जो मार्क्सवाद पे विश्वास करते हैं, मार्क्सवाद हमें सिखाता है कि किसी खास समय पे जो विचारधारा जो हावी रहती है वो उस समय के शासक वर्गों की विचारधारा होती है। तो कायदे के अनुसार पूरी दुनिया पूंजीवादी साम्राज्यवादी और इस जन विरोधी साम्राज्यवादी व्यवस्था के तहत हमारे जैसे देश में जो फासिस्ट शासन व्यवस्था पर काबिज है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो ऊपरी ढांचे की जो सारी चीजें हैं वो सब हमारे देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी शासक वर्ग के विचारों का अनुरूप होगी और उन्हीं के विचार हावी रहेंगे। तो उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो कोविड के काल में जो संकट है, इस संकट में जो संस्कृति का रूप हम देखते हैं, यह संस्कृति का रूप बड़ा ही अमानवीय है। हम देखते हैं कि जनता के जो सरोकार है, जनता का आपस में जो संबंध है, सामाजिक संबंध, वो छिन्न भिन्न होते जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के जो निर्माता है, जो मेहनत कश वर्ग के लोग, जो खाने कमाने के लिए अपने गांव, अपने शहर, अपने राज्य को छोड़कर दूर दराज के शहरों में गए हैं, चाहे दिल्ली, बंबई, सूरत या कहीं पर भी, या केरल, वो सब मारे मारे फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो मेहनत का स्वर कौन है? उसमें दलित हैं, उसमें आदिवासी हैं, उसमें वंचित वर्ग के लोग हैं, वो सारे लोग जिनके पास स्थायी रोजगार का कोई साधन नहीं है, जो हर वर्ष अपने गांव, अपने शहर छोड़ने के लिए अभिशप्त हैं 2 जून के खाने का जुगाड़ करने के लिए। इसीलिए साथियों, ये जो कोरोना काल की जो संस्कृति है, ये अमानवीय संस्कृति है, ये मजदूर विरोधी संस्कृति है, ये मजदूरों से नफरत करने की संस्कृति शासक वर्ग ने पाली है।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस काल में शासक वर्ग का जो एजेंडा है, ये कॉरपोरेट संघी शासक वर्ग जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देश में ये कॉरपोरेट फासिस्ट शासक वर्ग ये प्रचारित कर रहा है कि अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय इस कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, और इस तरीके से उसका जो नस्लवादी, उसका जो घोर सांप्रदायिक एजेंडा है वो अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा भी सामने आ रहा है। तो ये कोरोना काल की जो संस्कृति है नफरत की संस्कृति है, अल्पसंख्यकों मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से नफरत करने की संस्कृति है, हाशिए पर रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा चोट पड़ा है। और कोरोना काल में हम देखते हैं कि महिलाओं के ऊपर, वो महिलाएं घर में रहने के लिए घर में रहकर दोहरी जिम्मेदारी का सामना करती है, घर के अंदर और बाहर दोनों प्रकार का शोषण का सामना करती है, उन पर पितृसत्तात्मक समाज का सबसे ज्यादा एक दमन इस कोरोना काल में हम देखते हैं कि महिलाएं घरेलू हिंसा का काफी शिकार हो रही है। तो इसीलिए ये कोरोना काल की संस्कृति ये महिला विरोधी संस्कृति भी है, ये पितृसत्ता को मजबूत करने की संस्कृति है। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जौनपुर से लेकर गुजरात, वहां से लेकर महाराष्ट्र, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि दलितों पर नए नए किस्म के अत्याचार हो रहे हैं, और ये मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था कोरोना काल का उपयोग करके अपने ब्राह्मणवादी श्रेष्ठत्व जो कि कॉरपोरेट शासन ने बढ़ावा दिया है और फासीवादी शासन ने, दलितों पर भी ये शासन और शोषण और अत्याचार को लाद रहे हैं। इसीलिए कोरोना काल की संस्कृति भीषण रूप से जाति व्यवस्था की संस्कृति है, कोरोना काल की संस्कृति मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने की संस्कृति है। तो इस पूरे कोरोना काल में हम देखते हैं एक तरफ तो नफरत की संस्कृति, जनता को विभाजित करने की संस्कृति है, हाशिए पर रहने वालों पर चोट पहुंचाने की संस्कृति है, हाशिए पर रहने वाले और मजदूरों को करुणा करने की संस्कृति है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया भर के तमाम साम्राज्यवाद विरोधी जनता जो कि फ्लॉयड जॉर्ज एक अश्वेत नागरिक की मृत्यु के बाद अमेरिका से लेकर भारत तक जन विक्षोभ में उमड़ पड़े, ये जन प्रतिरोध की संस्कृति भी है साथियों। इसीलिए हम ये समझते हैं जो क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के जो साथी हैं कि हम इस ये जो खतरनाक परिस्थिति है, जो कोरोना काल में पितृसत्ता मजबूत हो रहा है, ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है, मनुवाद मजबूत हो रहा है, मेहनत कशों का दमन भीषण रूप से हो रहा है, जो प्रतिरोध करना चाहते हैं, जो प्रतिरोध कर रहे हैं उन सबको जेल में भरा जा रहा है, उनको मारने के लिए जेल के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ रखा जा रहा है, पूरी तरीके से प्रतिरोध के सब स्वर को कुचला जाना और देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवाद समर्थक अधिकारियों के को जमानत देना, उनको खुली छूट देना, ये इस कोरोना काल की विशेषता है। कोरोना काल में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना और हर प्रकार से प्रतिरोध को कुचल देने का शासक वर्ग आमादा है, लेकिन इसके खिलाफ हम सब जन संस्कृति कर्मी, हम सबके सामने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इतिहास ने दी है। एक तरफ मजदूर किसान मेहनत का शोर हर वर्ग लड़ रहा है फांसीवादी दमन के खिलाफ, कोरोना काल में स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार मुआवजा और बेहतर जीवन स्तर के लिए, तो हमको भी चाहिए कि हम इस खतरनाक दौर में, हम इस खतरनाक परिस्थिति से जनता को मुक्त करने के लिए एक मानवीय जनवादी और समाजवादी नजरिए से एक नया समाज और नए संस्कृति का सृजन करने की जिम्मेदारी ले। ये जो परचम को हम ऊंचा उठाए एक नई संस्कृति का, एक जनता की संस्कृति का, हमारी लड़ाई अंधश्रद्धा कट्टरपंथ सांप्रदायिकता जातिवाद नस्ली सोच के खिलाफ है। हमारी लड़ाई हर तरीके से सामंतवाद के सांस्कृतिक अवशेष, पूंजीवादी साम्राज्यवादी संस्कृति और फांसीवादी संस्कृति के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध की संस्कृति है। हमें चाहते हैं कि फांसीवाद के विष बोलों को उखाड़कर उसकी जगह जन संस्कृति का सृजन करें, जन संस्कृति का परचम फैलाए। हमारी लड़ाई हर तरीके से शांति की लड़ाई है, सच्चे जनवाद की लड़ाई है। हम पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के खिलाफ युद्धोन्माद के पक्ष में है। हम हमारा ये कहना है कि हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और एक समतावादी संस्कृति का निर्माण करने का अधिकार होना चाहिए, और हमें बम बंदूकों की होड़ और युद्धोन्माद और ये जो जंगखोरी है ये हमको हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए युद्ध जरूरी नहीं है। तो इसीलिए साथियों हम क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के साथी ट्रेड यूनियन की ज्वाइंट काउंसिल कमेटी के नेतृत्व में सारे ट्रेड यूनियन सेंटर जिसमें TUCI के साथी भी है, 3 जुलाई को
जो अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस फांसीवादी निजाम के खिलाफ, तो हम भी मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों सबके साथ, हम भी बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, सबके लिए रोजगार, सबके लिए रोटी कपड़ा मकान, और साथ ही साथ एक समतावादी समाज की मांग को लेकर हम आर्थिक राजनीतिक नारों के साथ, हम मेहनत कश आवाम के साथ खड़े हैं। और हमारा भी यह आह्वान है कि एक नई जनवादी संस्कृति के सृजन के लिए, समाजवाद के लिए आगे बढ़ने के लिए 3 जुलाई के इस प्रतिरोध को हम सांस्कृतिक प्रतिरोध में बदल दें। और इतना ही कहकर मैं आप सबको क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं, और यहां पर मैं क्रांतिकारी आशावाद के साथ अपने बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कॉम्रेड तुहिन। अ शॉर्ट ट्रांसलेशन ऑफ ही सेड दैट मार्क्सिज्म टीच्स अस दैट इन अ पर्टिकुलर टाइम the thinking of the ruling class is the thinking of the dominating thinking of the society. So now what we are seeing, the cultural side, Comrade Tuhin emphasized the cultural aspect of what is going on today and the cultural struggle. And what we are seeing that the dominating culture in this corona time, that is a culture of hatred. And the migrants worker, mainly they are comprising of the Dalits and the so-called backward castes people, migrant workers, they have no certainty of their job, and mostly they are working in the informal sectors. Now they at that time we have seen that they had to work that they had to walk a long distance to come back to their native places. At that time we have seen throughout the country the fleet of the migrant workers. We have seen the culture of hatred against the against women, atrocities against women has increased manifold in this time. The atrocities on the other weaker communities of our country, the religious minorities, people from other weaker sections, the atrocities are going on against them. So but this is not all. We are seeing the resistance also in the global perspective. We have seen in US after the murder of George Floyd, a black man in US, we have seen a big resistance throughout US was developed. And in our country also, the struggles of the migrant workers, the struggle of the other sections of the people, that is going to be developed. And in coming 3rd July, there is a big day of protest in our country is going to take place. And cultural workers and trade union workers and the communist revolutionary workers and activists of all these sections will come out, and they will join hands on 3rd July and to give a big protest, develop a big protest on that day. So with this call and with this hope, Comrade Tuhin gave his speech. So after that, now we will move to Comrade Sharmishta, and I will again request Comrade Tuhin to give a translation. So please take note, Comrade Sharmishta now will speak, and the speakers are requested to be careful on time. Comrade Sharmishta. Red salute to all. So on this 45th anniversary of the infamous internal emergency, CPIML Red Star is hosting this webinar when we are standing in a time of grave crisis, not just in our country but in the world over. However, on this 45th anniversary of the emergency, it is pertinent to mention that the situation today is one of great emergency to the people. It is an unprecedented situation, an unprecedented burden of crisis has been placed directly on the masses,
and the government seems to delight in taking advantage of the COVID-19 situation to exploit the masses to the fullest possible extent and provide relief, provide subsidy, provide help to the big corporates to expand their business and increase their profits manifold. First, I would like to say that India is probably the only country in the world, apart from the US, of which it is the junior partner. India is the only country in the world where the lockdown is being lifted, where the unlock, the phase of unlocking is being started, when the COVID-19 graph is climbing steeply, when the number of infections, the number of deaths are increasing steeply. It is at such a time when the government should take more and more responsibility of the people, when the government should ensure that the people's health is not left to the mercy of some corporate hospitals. It is at such a time that the government has gone for a policy of unlock. And when the government had announced lockdown, as our comrade General Secretary had pointed out, in the late hours of the evening, giving only 4 hours of notice, keeping lakhs of migrant workers stranded in different parts of the country, the COVID graph in India was nothing like this. If at that time the government had given the people time to prepare, had given the people time to return to their homes, and then gone for a lockdown or gone for other measures to contain the epidemic, then today the figures might not have been so bleak. But today what we are seeing is that when the number of deaths has reached almost 16,000, and we don't know the actual number of deaths, we are getting reports that in Delhi, the people in charge of burial grounds are saying there's no more place to bury more bodies. Dead bodies are lying in the corridors in the hospitals of Gujarat and Bombay. So we can only assume that the number of deaths is much higher, and the rate of infection is steadily climbing. It is at this time that the government has chosen to go for a desperate unlock, including Ratha Yatra, including the opening of restaurants and bars and whatnot, which are absolutely non-essential. It has gone for such desperate measures just to give relief to the corporates, just to help the corporates mint money. The government has failed, has refused to take the responsibility of the people. We know that the COVID-19 is such a virus, and our comrade General Secretary has explained that how such dangerous mutations are caused as a result of man's plunder of nature, and how this is not the end but just the beginning of many more such pandemics in the years to come, if our attitude towards nature remains as ruthless as profit mongering. However, we know that this COVID-19 is such a deadly virus that the vaccine for it or medicines for it can take months to develop. Safe, effective vaccines can take months to develop, can may even take years to develop. However, the point is not to wait till the vaccine or the medicine is developed. That is not what other countries have done. New Zealand, for example, spent 4% of its GDP to tackle the COVID crisis. In India, we are spending 2% of our GDP on the entire health system. And New Zealand spent 4% of its GDP to tackle the entire COVID crisis, to ensure that people did not lose jobs because of the pandemic, to ensure that people did not have to put their lives at risk because they did not have anything to eat, to ensure that the spread was contained, to ensure that people could stay in their homes, to ensure that people did not have to leave their homes in search of jobs and livelihoods. So it is in this manner, by spending on the people, by spending on the public, that governments in different countries have been able to contain the virus to a certain extent and have been able to plateau the graph and bring it down. But India remains a country where, despite the graph climbing steeply, the government is now going for such desperate measures. But such desperate measures of unlock, although they extend to restaurants and bars, they do not extend to our political prisoners. We know
the state of our political prisoners very seriously ill. Comrades like Varvara Rao and Sai Baba, they are languishing in prison. People like Sudha Bhadwaj, Shoma Sen, not to speak of the hundreds of Adivasis who have been arrested and put behind bars because of suspected or alleged Maoist links. Thousands of prisoners are languishing in jails, political prisoners are languishing in jails, and although the courts have said time and again that overcrowding in prisons should be avoided in the time of this pandemic, the government is taking no measures to release the political prisoners. Rather, it has used the COVID-19 pandemic as an excuse to crack down on anti-NRC, anti-CAA protesters, especially in Delhi. We have seen how students, we have seen how youths have been arrested, how they have been charged with UAPA, while a terrorist like Davinder Singh, as my previous speaker said, was granted bail because the police could not bother to file a charge sheet against him within the required 90 days. So the unlock does not extend to the civil liberties. Our civil liberties, our rights are under lockdown still. The rights of workers are daily being seized. Shivram said, in Orissa, the state government has issued a crackdown on workers' rights. So also in all other states, workers in organized sectors, most have not been paid any wages for the lockdown period. Thousands of workers are being sacked. Even IT companies are sacking workers by the thousands. One Zoom call, one telephone call, one WhatsApp message, and 100 workers are sacked. This is the condition of the industry. The migrant laborers, who after walking thousands of kilometers and their plight having caught the imagination of the nation, now that they have managed to return home, they find that there are no jobs for them. And worst of all, they are being abused. First, the Muslims were targeted. First, the Muslims were said to have been carriers of the Corona Jihad. And now the migrants account for the spread of the virus. So it is a situation of an emergency we are living in. When our rights are under lockdown, when our liberties are under lockdown, everything else has been unlocked. Everything else has been unlocked in favor of the corporates. In favor, we see how the coal mines, 41 things, and mines have been set up for auction for the corporates. We have seen how desperate the government has become in massive corporatization of all the sectors. We have seen how it's being said time and again that government jobs may soon cease to exist. So every unlock facility is being provided so that the corporates can pile up their profits, and every lockdown is being imposed on the rights of the people. And if all this could have still resulted in the containment of COVID, if it still could have resulted in a reduced number of deaths, a reduced number of infections, then it would have been a different story. But what do we see? We see that the only COVID deaths, the accounted COVID deaths have reached almost 16,000. And think of the number of thousands of people who have died of other diseases because they could not access treatment in this time of lockdown, and when all the hospitals have almost come under a phase of complete lockdown, when the hospitals have become inaccessible to the masses of the public. So it is clear that to the government, the lives of the people today have no value. The lives of the people, the livelihoods of the people have no value. It is only the corporates who matter, and it is for the sake of the corporates the government is going to design all its policies. That is why today it is the urgent need for all democratic forces to come together. One difference between the emergency, the time of the emergency in 1975 and today, is that at that time there was a united opposition. The opposition was united against the government, and that is why the government cracked down on the opposition. But today the opposition is totally toothless. Some criticisms of the government policies
is only what they are limited to. There is no alternative agenda. There is no alternative call. There is no alternative solution that the opposition has been able to put before the masses. It is a toothless, the opportunity to a fascist, a power like BJP to develop and bear its fangs. So today, it is the responsibility of all democratic people to come together. It is the responsibility of all democratic people to come together and say that our lives matter, our livelihoods matter. The corporate's profits is the last of the priority, should be the last of the priority of the government. Our lives matter, our livelihoods matter, so give us back our rights. And the government should take the responsibility of the people. CPIML Red Star has already raised the demand that the government should provide cash, should provide cash to the people, should provide cash to every family. So the government had said some story about some 20 lakh crores it was spending to deal with the COVID pandemic. So we showed them that if for 3 months, 30 crore family, that would have accounted for nearly all the entire population if we take 5 people per family. If 30 crore families could have been paid 10,000 rupees a month for 3 months, that is 30,000 rupees, then that would have come to much less than 20 lakh crore rupees. It would not have needed 20 lakh crore rupees to deal with the people, but the people would have had food to eat, people would have had a shelter over their heads, people would have had a chance to survive this pandemic. So today, it is our duty to raise our voice against the government, to expose the government, and not to fall in the trap of the warmongering. When the government has failed in all spheres, when the government has failed to secure the lives and livelihoods of the people, the government has resorted to warmongering. A couple of years ago, it was Pakistan, now it is China, and the government is under the illusion that this warmongering, this anti-China slogans, is going to divert the attention of the masses to the from their basic needs, from their basic deprivations, turn our attention elsewhere and blame China for everything. But we must raise the slogan of no to warmongering, no to war efforts. We shall not let our soldiers die for games played by imperialist powers. We shall not let our soldiers die for some harebrained policies of the government. So let us raise our voice today. Let us raise our voice for the ouster of this fascist government, and let us raise our voice for a democratic, for a nature-friendly opposition to develop in the midst of this crisis. Thank you. Oh, thank you very much, Comrade Sharmishta. Mera voice aa raha hai? Thank you very much, Comrade Sharmishta. Now, a very short translation, Comrade Tuhin. I am requesting Comrade Tuhin to give a very short translation in Hindi. हेलो यस यू आर लिसनिंग आवाज आ रही है आवाज आ रही है अच्छा अच्छा हाँ कॉमरेड शर्मिष्ठा ने जो कहा वो ये कहा कि आपातकाल की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक अभूतपूर्व परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और ये चारों तरफ आपातकाल ही है अभी भी उनका कहना है कि COVID-19 का लाभ उठाकर ये जो मोदी सरकार है पूरी तरीके से कॉरपोरेट वर्ग की सेवा कर रही है भारत एक ऐसा देश है जहां पर अनलॉक किया जाकर जब अनलॉक किया जा रहा है तब सबसे हेलो आ रही आवाज मैं बोल रहा हूँ कि भारत एक ऐसा देश है पूरे दुनिया में जब COVID-19 का सामना करना था तब नहीं किया जब WHO ने चेतावनी दी थी तब अपने एजेंडा में लगे रहे और COVID-19
जब भीषण बढ़ रहा था तब इन्होंने अनलॉक किया और हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि आज 16,000 से भी अधिक लोग मर रहे हैं और वास्तव में कितने लोग मर रहे हैं ये बताना मुश्किल है। जैसे कि दिल्ली में कुछ समाचार मिले हैं कि दिल्ली में कब्र कोविड से मरने वाले लोगों को दफन करने की जगह भी नहीं बच रही है, तो स्थिति बहुत खतरनाक है। और हमारे देश की सरकार सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार सरकार है, इसने मात्र 4 घंटे के नोटिस में इसने लॉकडाउन कर दिया, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि लाखों लाख मजदूरों का क्या होगा। और सबसे ज्यादा हमारे जो मजदूर हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे थे वो सारे मजदूर भीषण रूप से परेशान हुए, प्रताड़ित हुए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन साथियों हम ये जाते हैं कि कोविड से आज कितने लोग मरे हैं, लेकिन जो लोग कोविड से नहीं मर रहे हैं दूसरे बीमारी से मर रहे हैं, वो इसीलिए मर रहे हैं कि लॉकडाउन के दरमियान सरकार को जो जनता को जनस्वास्थ्य सुरक्षा देनी थी, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को सरकार ने खत्म कर दिया है, तो लोग जो अन्य बीमारी से ग्रसित है वो भी मृत्यु के दामन में जा रहे हैं। सरकार ने इस COVID-19 का लाभ उठाकर अपने सारे एजेंडा, सारे जनविरोधी कानूनों को लागू कर रही है। इसने सभी कोयला खदानों का निजीकरण कर दिया है, पूरा कॉरपोरेटीकरण कर दिया है। ये लगातार कोशिश कर रही है कि कॉरपोरेट के मुनाफा को सुनिश्चित कैसे किया जाए और जनता के ऊपर अधिक से अधिक किस तरीके से दबाव डालकर जनता पे संकट का बोझा डाला जाए। एक तरफ तो जनता परेशान है, सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में है हमारा देश, लेकिन सरकार रथ यात्रा, मंदिर को खोलना, रेस्तरा खोलना, शराब खाने खोल रही है, पूरी तरीके से ये इसको जनता की कोई चिंता ही नहीं है। ये पूरी तरीके से एक आपराधिक उपेक्षा है मोदी सरकार की। जबकि हम देखते हैं कि कोविड का कोई टीका का आविष्कार अभी नहीं हुआ है, कब तक होगा? लेकिन टीका का आविष्कार हो ना हो, हम ये देखते हैं कि दुनिया में कुछ एक देश है जो अपने जनता के प्रति जवाबदेह है, जैसे न्यूजीलैंड। उसने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4% कोविड की रोकथाम के लिए, कोविड से लड़ने के लिए, अपने कर्मचारियों और मजदूरों को बेरोजगार होने से बचाने के लिए, उनको रोटी कपड़ा और मकान देने के लिए मुहैया किया है। हमारे देश की सरकार को, हमारे देश की जनता, मेहनत कशो आम जनता की बिल्कुल चिंता नहीं है, वो कुछ भी जनता के लिए नहीं कर रही है। और जनता के बीच में संक्रमण बढ़ते जा रहा है, मृत्यु का गाप भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हर तरीके से सरकार का जो नाकारापन है, राजनीतिक, आर्थिक, हर तरीके से, वो हम देख रहे हैं कि जितने सारे राजनीतिक बंदी जेलों में बंद है, सरकार चाह रही है कि वो सारे लोगों की आवाज को कुचल दे और देवेंद्र सिंह जैसे आतंकवादियों को दिल्ली के जो सांप्रदायिक, जो दिल्ली में जनहत्याकांड जो हुआ उसको बढ़ावा देने वाले सबको खुले छोड़ दिया है। और तमाम राजनीतिक बंदी जो आदिवासी, जो माओवादी के नाम से जेलों में बंद है, उन सबको सरकार बिल्कुल कोविड के संक्रमण से बचाना नहीं चाहती। और सबसे ज्यादा CAA, NRC, NPR का विरोध करने वाले छात्रों पर भी वो भीषण दमन कर रही है, उनको लगातार जेलों में बंद कर रही है, उनको जमानत नहीं दे रही है। तो ये हर तरीके से आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ, हर तरीके से। जनता को कोई जीने की आजादी नहीं है, जनता को रोजगार की आजादी नहीं है, जनता को भूखे मरने की आजादी है। 1975 की तुलना में हम देखते हैं आपातकाल में जनता का बहुत दमन हुआ था उस समय, लेकिन उस समय विरोधी जो है वो एकजुट थे। आज की तारीख में जो विरोध, विरोधियों का राजनीतिक विरोधी जो है वो करीब करीब शून्य की स्थिति में है। कुछ एक आलोचना करने के बावजूद वो कभी भी जनता के लिए लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो ऐसे हालात में साथियों CPIML रजिस्ट्रार का आह्वान है कि पूरी तरीके से हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, नवउदारवादी व्यवस्था जो कोविड संक्रमण के लिए जिम्मेदार है, इससे हमको लड़ना है, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो जूनियर पार्टनर है मोदी का फासिस्ट शासन, इसके खिलाफ जनता को एकजुट करना है। आने वाले 3 जुलाई को 12 माओं के आधार पर हमको प्रतिरोध प्रदर्शन को जंगी बनाना है। और साथ ही साथ हमारी जो लड़ाई है वो जनता के लिए, रोजी रोटी और जनवाद के लिए, देश की बहुसंख्यक जनता के लिए, एक सुखी समतावादी जीवन के निर्माण के लिए, और जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, जनता के लिए जो कोविड के संक्रमण से लड़ने के लिए जो जरूरी चीजें मुहैया करवाने के लिए, जनता के जीवन शैली, जीवन धारण के स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए, पूरी तरीके से CPIML रजिस्ट्रार इसके लिए
समान विचार वाले संगठनों को जोड़कर एक आंदोलन करने का पूरा उपक्रम कर रही है और आने वाले दिनों में वो एक बड़ा आंदोलन का आगाज करने की तैयारी कर रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि समान विचार वाले संगठन, तमाम क्रांतिकारी वाम संगठन, ट्रेड यूनियन और तमाम जन संगठन, लड़ाकू जो जनवादी संगठन, इन सबको लेकर देश को फांसीवाद से मुक्त करने के संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। ये कॉम्रेड का संक्षेप में ये कहना था। थैंक यू वेरी मच कॉम्रेड तुहिन। नाउ आई लाइक टू मूव कॉम्रेड संजय सिंघवी। कॉम्रेड संजय सिंघवी सेंट्रल कमिटी मेंबर ऑफ आवर पार्टी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट ही इज द जेल सेक्रेटरी ऑफ DUCI। तो इन फ्रंट ऑफ थर्ड जुलाई इज अप्रोचिंग। सो कॉम्रेड संजय सिंघवी नाउ विल स्पीक। कॉम्रेड संजय आप हिंदी में बोलेंगे, उनका ट्रांसलेशन कॉम्रेड कॉम्रेड कैन कॉम्रेड कैन ट्रांसलेट स्पीक इन हिंदी फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट इन इंग्लिश, और यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। No, Comrade Sanjay will speak in Hindi and the English, short English translation will be given by Comrade Sharmishta. Comrade, because I am getting out from the meeting repeatedly, that's why I am requesting Comrade Sharmishta to give a very short translation in English, because we are running short of time. Strain is there. So Comrade Sanjay Singhvi, I am requesting Comrade Sanjay. I will not be able to keep to your time limit of 10 minutes because I will finish long before that. So one thing I wanted to say is that, look, there is a saying in English that history punishes those who do not remember history. History punishes those who do not study history. And the punishment is that you are forced to repeat history. So in that sense, if we say, then probably we are to blame also, because it means that we have forgotten the lessons. And that is why we are being forced to repeat it. So I look upon this after 45 years also with a sense of self-criticism. Of course, we have to criticize what is happening today. But just criticizing it and saying that the government is so bad is not sufficient. What would we have done? There could have been a lot of things done. It is not as if there could not have been a lot of things done. Let us look at things in both the health perspective and the economic perspective. Both are tied together. In the health perspective, firstly, there should have been much more facilities created. Just today, there was an article in the paper saying that the government is now saying we are going to create so many more beds, thousands of beds, but that doesn't help. Because with each bed, you require doctors. With each bed, you require operating theaters. For every 50 beds, you require one operating theater, 50 beds in the general ward. That is the norm by the medical association. Now, unless you can do all this, just creating beds is useless. What happened in China? In Wuhan, they immediately created two or three huge hospitals with beds, operating theaters, and brought in doctors from all over the country to man these operating theaters. Like Comrade, the other day in the other webinar we had, Comrade Soumya Datta said that now it seems that maybe the pandemic has not started in Wuhan or in China. It was merely in Wuhan and China that they first discovered that this is a new coronavirus. Because now cases are coming up even in Europe and other places which preceded December 2019, where people are finding that that must have been COVID, but it was treated at that time just as another form of influenza. Now, in all these cases, we can say that this could have been done by our country very easily. The first thing is that people coming in could have been stopped, could have been screened much better. That people, more hospitals, more fully functional hospitals could have been created. That more economic sops could have been given to people creating sanitizers, face masks. That it is very easy to convert a plant which creates liquor, which creates alcohol, different types of alcohol, into a plant creating sanitizers. But none of these conversions took place in India, though in some other countries such conversions did take place. Now, in the same way,
If we look at this, this is tight. Let us suppose that all this was not done, that the strategy followed by the Modi government was lockdown. Very well. If they wanted to follow the strategy of lockdown, then along with lockdown, other things needed to be done. You had to provide people with economic means, because lockdown has a very severe economic effect. So you had to make sure that workers were given their wages. You had to make sure that farmers' produce could have been collected and bought to the market. There was sufficient food grain lying in stock to feed the whole country for over a year. But that food grain should have been released to people. Till now, nobody has said why this food grain was not released. All these measures would not have been too expensive. We have done the calculations, and the calculations show that all these measures could have been achieved in between around 10 lakh crores. We did not reach 20 lakh crores. But then this 20 lakh crores is just a farce. They did not really release 20 lakh crores. Hardly 3 lakh crores was out of the government's pocket. The rest was supposed to be just an infusion of liquidity. And at this, I'm sorry, mujhe Hindi mein baat karna tha na. Yeah, theek hai, ab boli hai, ab English mein boli. Okay, I'm sorry. And so therefore this infusion of liquidity is also of no use. So in all this, we can see that the government had no plan, that the government was only protecting the interests of large capital instead of giving socks to companies which will produce face masks or sanitizer. Socks have been given as a part of the package to distribution companies, electricity distribution companies. How that makes any sense in this present situation, nobody knows. So in all this, we can see that the government was wrong. Things could have been done better. But why was this not done? We can complain about all this. But today, one thing is very clear. That today, if nothing else, all this has forced us to see that the general people are opposed to the government. Whether it is the minorities, whether it is Dalits, whether it is workers, whether it is peasants, whether it is the middle class, whether it is the women, all of them have had to suffer. Not only under this government, but further under COVID under this government. So today we are in a unique position, and we are in a position to learn from history, that today we are in a position to bring about a broad unity of all these sections to bring down this government. So we have to learn from history. We have to form a broad unity and bring down this government. 3rd of July onwards, it has been declared by the central trade unions and all the trade unions in this country to be a period for 6 months when we will continue a struggle to bring down this government, a struggle of non-cooperation. So today we are in a situation where we can stop. We can build up a big unity, and such a big unity can bring in a type of democracy which will bring down this government. Because after all, the emergency, what is happening today, and what fascism is all about is nothing but a lack of democracy. If we are to have a democratic functioning, if we are to have people coming together on a democratic basis, then we can all come together and take steps to see that our country is really a country of the people and not just a country of the big corporate interests. Thank you. That's all I want to say. Thank you very much, Comrade Sanjay. Sanjay ka jo translation Hindi mein bahut hi sankhipt roop se main rakhunga. To abhi Comrade ne kaha hai ki jo corona ka jo pandemic hai, ye pandemic ko samna karte hue hamara jo sarkar hai ye puri tarah se jo fail kiye hain. Hello, hello, suna jaache na? Hello, sunai de raha hai. सुनाई दे रहा है तो अभी जो हमारे हमारे देश में जो हमारा जो सरकार जो है ये सरकार पूरी तरह से फेल किया है. जो हमारे देश बहुत आसानी से जो ये जो पेंडेमिक जो है इसको सामना करने के लिए जो सामग्री का आवश्यकता था जो इनफ हॉस्पिटल बेड
की जरूरत थी, जो फेस मास्क की जरूरत थी, जो सैनिटाइजर का जरूरत थी, इनफ जो पर्याप्त परिमाण में हमारे देश का जो खाद्य सामग्री भी मौजूद है एफसीआई के गोडाउन में, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो चीज बहुत आसानी से प्रोडक्शन कर सकते थे ये प्रोडक्शन नहीं हुई। जो फूड ग्रेन्स है पड़े हुए हैं वो दिया नहीं गया जनता को। लॉकडाउन जो किया है सरकार ने, ये लॉकडाउन करने का जो कोई प्लानिंग, इसके पहले जो प्लानिंग करना चाहिए था कि ये लॉकडाउन में कैसे हम जनता को सेवा दे, ये इसका कोई प्लानिंग सरकार के तरफ से नहीं था। ये क्यों नहीं था? क्योंकि जनता के बारे में जो सोच है, ये सोच ये गवर्नमेंट का नहीं था, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो फैसीवादी तरीका से चल रहा है, फैसीवादी का उसका कैरेक्टर है, तो इसका खिलाफ में हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा यूनिटी का, एकता की जरूरत है हमारे देश में। जो 3 जुलाई हमारे सामने जो सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसमें भाग ले रहे हैं, ये लड़ाई में शुरू हो रहे हैं, ये एक बड़ा लड़ाई जो 6 महीना ये लड़ाई आगे लेके जाने का जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें सारे ट्रेड यूनियंस शामिल हो रहे हैं, सारे जनवादी जो ताकतें हैं, ये सारे जनवादी ताकतें इसमें शामिल हो रहे हैं, अलग अलग जो संगठन है ये संगठन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सारे संगठन जो जनवादी संगठन है, उत्पीड़ित जनता की, दलित, महिला लेकर के दूसरा दूसरा जो वर्ग है, दूसरा दूसरा जो क्षेत्र है जनता की, उनका सारे संगठन को ये आह्वान किया जा रहा है कि आइए 8 जुलाई एक बड़ा प्रदर्शन हम लोग करें और एक बड़ा लड़ाई का सूचना करें, जैसे कि सारे ये जो ब्रॉड लड़ाई है, इसमें एक नया जनवाद को भी हमको पैदा करना है, जो फैसीवादी जो ताकते है, फैसीवादी जो सरकार है, उसके खिलाफ में एक जनवादी लड़ाई, एक जनवादी एनवायरमेंट, जनवादी जो एक संस्कृति, ये सारे चीज को बरकरार रखते हुए हम लोग ये लड़ाई का जो एक आह्वान 3 जुलाई का, ये कॉम्रेड संजय सिंह भी ने ये रखे हैं। तो थैंक यू कॉम्रेड संजय सिंह भी वेरी मच। तो नेक्स्ट विल मूव टू कॉम्रेड प्रदीप सिंह ठाकुर, कॉम्रेड पीएचडी। Now the translation of Comrade PST will be given by Comrade Tuhin. Comrade PST will speak in English. Comrade Tuhin will give a short Hindi translation. We are running short of time also. Please be careful. So Comrade PST, Comrade Pradeep Singh Thakur, I will request Comrade Pradeep Singh Thakur to give a speech. And please restrict within 10 minutes. প্রদীপ দা, আপনার মাইকটা বন্ধ করা আছে, আপনার মাইক বন্ধ হ্যাঁ, আপনার ও খোল লিজিয়ে ফোন আপনার। প্রদীপ দা, কমরেড প্রদীপ সিংহ ঠাকুর, আপনার মাইক হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি ঠিক আছে বলিয়ে। কমরেড সিং ফ্রেন্ডস, এট দ্য টাইম দেবকান্ত বড়ুয়া ওয়াজ প্রেসিডেন্ট অফ কংগ্রেস পার্টি, হি গেভ দিস স্লোগান দ্যাট ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া। कमरेड फिर म्यूट हो गया, कमरेड पीएसटी फिर म्यूट हो गया, प्लीज मेक इन अनम्यूट। हाँ ओके, अभी प्लीज स्टार्ट। अभी ठीक है। हाँ, तो एट द नाउ सिचुएशन इज दिस दैट कंक्लूडेड टू ऑल पार्टी मीटिंग वी कंक्लूडेड विद दिस दैट नोबडी हैज क्रॉस्ड आवर बॉर्डर, नोबडी इज इन आवर टेरिटरी, and nobody has captured our post. So when we are asking Modi, Prime Minister, then what about that? That what about that? Hello. कौन शंकर? प्रदीप, प्लीज कैरी ऑन। सो नाउ व्हेन वी आर आस्किंग देन व्हाट हैपेंड
when our 20 soldiers were killed, 76 was injured. When this type of questions are coming, then BJP people, RSS people are telling that you cannot criticize Narendra Modi. You cannot question Narendra Modi. So now situation is this, that Narendra Modi is not only India, Narendra Modi is above questions. You cannot question. So this is the situation. Now I want to concentrate myself about the Indian agriculture and the peasant. During the COVID period, Narendra Modi government promulgated three ordinances. They are want to change the existing laws in Essential Commodities Act for contract farming and for Agricultural Producing Marketing Act. They want to change all these things. Now, when they are changing all these things, then one of the economic advisor of Modi is telling us that all these steps are very important, and these are not merely 1991 moment of ending an efficient relics of socialist era, but also the unwinding of 700 years of systematic policy bias against farmers and their produce. And that economic advisor is telling that this thing is going on for 700 years. We started at the time of Alauddin Khilji. So this is the situation. Now, when we are telling the government, if you want to promulgate ordinance, then ordinance for all the private hospitals, take all the private hospitals. But government is not ready to do that thing. So in this situation, now in Indian agriculture and Indian peasants are in a very distressed situation. Actually, before the pandemic, situation in agriculture is not very good. Thousands of peasants are committing suicides. This is the situation. Peasants are not getting remunerative prices of their products. This is the situation. So when we are demanding that government have to take appropriate steps on these aspects. So when we are expecting that government, when they are claiming that they will give 20 lakh crores of rupees, then we are thinking that government will spend enough money to combat COVID. Enough money they will distribute among the landless and poor peasant, agriculture workers, Dalit, tribals, and the poor people. We are thinking on that way. The government will take all the necessary measures. But now it is crystal clear that government has not taken any initiative on this score. So in this situation, you know that our peasant organization, AIKKS, have All India Protest Day on 15th June. And not that day, we have demanded that give priority to human lives, not GDP. This is our slogan. So we are telling that you have to allocate 5% of GDP for COVID combat. This is our slogan. And for agricultural workers, landless and poor peasants, we are also demanding that give them enough food, give them enough cash, give them enough employment. And now the situation in the rural areas are also in a serious situation due to the migrant workers are coming now. So that is the additional burden on the already crisis-ridden Indian agriculture. So in this situation, we are giving a slogan so that we have to fight against feudal forces, we have to fight against Indian monopoly forces, and we have to fight against imperialist forces. This is our task we are now implementing through our program. Here important thing is this, now not only our organization, but more than 250 organizations are also giving such slogans, giving such demands, All India
peasant coordination committee also giving us slogan. So we are also when trying to build our own organization with independent activities, we are also trying to mobilize as much peasant organization, farmer organization as we can, so that in the coming days we can build a very powerful militant All India movement, because many things depends upon the peasant struggle, peasant initiative. If we want to change the color of our country, if we want to resist Modi government, then there is urgent necessity throughout the country. Now we are trying our level best to build that movement throughout the country. So this is the task before us, and I think in this case, All India also, there are many developments are going on. So we are also keeping in touch with this. When government is changing Agricultural Price Commodities Act, then the local marketing agency also, marketing committee also, they are opposing. So when they are increasing their burden by promulgating ordinances, that is also create a lot of scope for enhanced movement also. So we are also trying to mobilize every sections of the peasants, every sections of the farmers, every section they are hurt by the initiative of the central government. So there is a scope also in the coming days for a bigger nationwide movement also. So we are trying our level best so that we can build in the coming days a nationwide powerful peasant movement. And with the addition to the working class, students, youth, women, so that we can build a powerful movement of the people of India, so that we can fight a real battle against Modi government. That is urgent necessary, and we have to give our whole attention to that point. Thank you. थैंक यू वेरी मच कॉमरेड प्रदीप सिंह ठाकुर. तो कॉमरेड तुहिन, अभी एक शॉर्ट ट्रांसलेशन हिंदी में. आपका माइक बंद है कॉमरेड तुहिन, आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए. अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है. अच्छा जी, कॉमरेड प्रदीप सिंह ठाकुर ने ये कहा कि एक समय था जब इमरजेंसी जब लगी थी 1975 में, तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत वड़ुआ, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा. तो इस तरीके से जो इंदिरा गांधी के तलवे चाटने वाली पूरी पार्टी थी, आज बीजेपी पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी पूरा मोदी का तलवा चाट रही है. मोदी चीन के साथ जब सीमा विवाद होता है तो मोदी ने कहता है कि चीन कोई अतिक्रमण नहीं किया, ना भारत ने सीमा पर अतिक्रमण किया, कोई समस्या नहीं हुई. तो 20 सैनिक कैसे मारे गए, 76 सैनिक कैसे घायल हुए, इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता. आरएसएस का कहना यह है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, क्योंकि वो फासिस्ट ताकतों का मार्गदर्शक है, कि मोदी के ऊपर कोई सवाल खड़ा मत करो. और मोदी भक्त मीडिया भी यही कहता है, गोदी मीडिया, जो मोदी के ऊपर सवाल खड़ा करता है वो देशद्रोही है. तो इस तरीके से हमको याद स्मरण होता है 1975 में भी यही हुआ था, इमरजेंसी के समय 19 महीने में. आज और खतरनाक रूप से वो सारी चीजें हो रही है. COVID-19 के बारे में हमारे साथी वक्ताओं ने कहा है, आप सब जानते हैं कि मोदी जो है कोविड को अवसर में बदल दो बोलता है, और अवसर में बदलने के लिए इसने 3 खतरनाक कानून लाया है, जन विरोधी कानून. और हम ये मांग कर रहे हैं कि सारी जनता को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा दो, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत लो. लेकिन मोदी सरकार ये नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कॉरपोरेट की दलाल है. आज की तारीख में सबसे ज्यादा बदहाल है किसान मजदूर, और हजारों किसान जो है ये कोविड के पहले भी आत्महत्या कर रहे थे और अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, और लगातार ये बदहाली चल रही है. किसानों को फसल का, उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है. और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा जो है, इन सारे मुद्दों को लेकर 15 जून को उसने अखिल भारतीय प्रतिरोध दिवस मनाया था. इसके साथ ही किसान सभा ने GDP का 5% जो है वो कोविड से लड़ने में खर्चा करो, ये नारा रखा. उसने खेती और मजदूर गरीब किसानों के राहत देने के लिए उसने अपनी मांग को रखा है, प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए सारी मांगों को रहा. और आज की तारीख में हम अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में भी हम सक्रिय हैं. हम देशव्यापी रूप से एक ताकतवर
किसान आंदोलन इस फासिस्ट मोदी प्रशासन के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि हमारी लड़ाई साम्राज्यवाद से है, हमारी लड़ाई भारत के इजारेदारी पूंजीवादी ताकतों से है, हमारी लड़ाई यहाँ के जो सामंत की ताकत है उनसे भी है। तो इसीलिए हम इस लड़ाई में पूरी जनता के साथ हैं, और आने वाले 3 जुलाई को अखिल भारतीय जो विरोध प्रदर्शन है उसमें भी यही के भाग लेगी, और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू कॉमरेड तुहिन। तो नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर मीटिंग। कॉमरेड मनसाइया, कॉमरेड आर मनसाइया इज नॉट देयर ना। तो कॉमरेड मनसाइया वाज आवर इन आवर स्पीकर्स लिस्ट, बट समहाउ ही डिड नॉट कुड नॉट कनेक्ट द मीटिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड, वी आर गोइंग टू एंड आवर मीटिंग। सो नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 3rd July, कॉमरेड्स एंड फ्रेंड्स। This is a call from CPIML Red Star that on 3rd July, a big demonstration throughout the country going to be organized by all the trade unions, by all the democratic forces, by all the struggling organizations. So we are requested, that is the appeal from our side that please raise your voice, raise your hands against the fascist governments, against the their total failure and anti working class, anti people policies which they are taking, using COVID. They are not fighting COVID, they are using COVID-19 to suppress the people's movement and to continue their anti government policies. So with this we are going to end. हम लोग अभी हमारा जो कार्यक्रम है ये खत्म करने जा रहे हैं। सारे जो वक्ता को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आने वाले जो 3 तारीख है, 3 जुलाई, पूरे देश भर में जो जनवादी ताकते हैं, जो संग्रामी जो शक्ति जो है, सभी लोगों के पास ये हमारा आवेदन है कि आप लोग ये दिन जो हमारा फैसिस्ट सरकार ने जिस तरीका से जो मजदूर वर्ग के खिलाफ, हमारे देश का जो जनता के खिलाफ जो पॉलिसी लेके चल रहा है, इसका खिलाफ में आपका आवाज उठाइए। तो 3rd July एक सफलता हम लोग हासिल करेंगे, और साथ साथ एक लड़ाई के ओर, एक लंबा लड़ाई के ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आशा के साथ, ये अपील के साथ आज हमारा जो मीटिंग है, ये मीटिंग हम लोग खत्म कर रहा हूँ। सभी दर्शक जो है हमारे साथ है उनको अभिनंदन देते हुए, सारे स्पीकर्स हमारे जो थे उनको अभिनंदन देते हुए जो हमारा जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। लाल सलाम, लाल सलाम।